फिर यहाँ देखिए सात से सात देना जरूरी है, भाई का इशारा है फर्स्ट अंपायर का, और यहाँ देखिए चार रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ 24 रनों पर पहुंचता हुआ टोटल स्कोर 24 रन। बहुत अच्छा शुरुआत है लेकिन यहाँ फील्डिंग यूनिट की अगर हम बात करें तो उतना अच्छा यहाँ गेंदबाजी कर नहीं पा रहे हैं ये, और अगर कर भी रहे हैं तो उनके जो साथी हैं चाहे वो फायरिंग क्षेत्र में हो या फिर शॉट लेग क्षेत्र में हो उनका साथ नहीं दे पा रहे हैं ये। लीजिए एक बार फिर मिसफील्ड हुआ लेकिन सबसे काफी बाहर ये बॉल, भाई का इशारा अंपायर का, एक बार फिर चौका मिलेगा। यहाँ देखिए जिस तरह से यहाँ पर समय जो दर्शा रहा है कि बल्ले से जरूरत नहीं है इनको रन बनाने के लिए, ऐसे ही खड़े रहेंगे 10 ओवर तक तो बहुत बढ़िया स्कोर खड़ा हो जाएगा इनके सामने। अर्जुन और सैगुल की थोड़ी मैदान पे है और यहाँ गेंदबाजी करने के लिए आए सुभाष, विकेट कीपर की अगर हम बात करें तो अच्छी कोशिश कर रहे हैं लेकिन इस बार जिस तरह से यहाँ दो बार पीछे गया इस वक्त रिलीज किए हैं इस बॉल को, बहुत ही शानदार हमारे साथ जुड़े हैं दो स्कोरर मुमताज जिसे हम प्यार से दिल कहते हैं, उसके बाद प्रिंस हमारे साथ में जुड़े हैं जो शुरुआती लेकर अभी तक साथ दे रहे हैं। बहुत बढ़िया है यहाँ देखिए बहुत अच्छा एफर्ट था यहाँ कैच पकड़, नो बॉल का इशारा अंपायर का, नो बॉल। एक बार शमीम ने कोई संकोच नहीं किया मन में, कितनी बॉल को रिलीज करोगे आप, कितनी बॉल नो डालोगे आप, यहाँ स्कोर 29 रन, तीसरा ओवर चलता हुआ। ओवर की समाप्ति हुई, 3 ओवर के बाद 30 रन 1 विकेट के पास। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए सौरभ यादव एक ओवर में 11 रन, अमित यादव एक ओवर में 6 रन, 4 रन दिए हैं सुभाष यादव, बहुत शानदार गेंदबाजी रहा लेकिन उनके साथ ही साथ नहीं दे पाए हैं। अमित यादव आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, दूसरा ओवर है इनकेस्टर का, टीम की तरफ से आए हैं चौथा ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए। बहुत बढ़िया गेंद है, नो बॉल का इशारा, एक बार फिर नो बॉल का इशारा अंपायर का, आज जिस तरह से यहाँ गेंदबाजी देखने को मिल रहा है तो मुझे लगता है कि आज है आधा टाइम तो यही निकल जाएगा, जिस तरह से इसके बाद 3 मुकाबले खेले जाएंगे। तैयार है एक बार फिर, ये जबरदस्त शॉट लगा है, काफी दूर गई है ये बॉल, स्लॉट पे बॉल यहां अर्जुन के बल्ले से निकलता हुआ, यति खेरा छक्का। फिर वही शॉट लेकिन इस बार थोड़ा सा ऊपर थी बॉल और बैक ऑफ लेंथ ये बॉल डाले थे, ये बाद स्कोर पहुंचता हुआ 37 रनों पर, चौथा ओवर है प्रगति पर। इस बार कदमों का इस्तेमाल किए थे जरूर, अच्छा स्टंपिंग सुरक्षित है क्रीज के अंदर और डॉट बॉल है ये, अच्छी गेंद है और जिस तरह से शुरू पे नजर डालते हैं गेंदबाजी के ऊपर अच्छी गेंदबाजी तो हो रही है और यहाँ विकेट कीपर साथ नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ देखिए एक बार फिर स्कोर अभी भी यहाँ 37 रनों पर रुका हुआ, आखिरी बॉल है ये चौथे ओवर की,
के पास इस आउट में बॉल को भेजा है बाउंड्री लाइन के बाहर छह रनों के लिए। जब जब उस जगह पर टप्पा आप डाले हैं तब तब ये बल्लेबाज बड़ा शॉट खेले हैं और जब वही शॉट खेलते हैं तो वो बॉल आप मत दीजिए। चार ओवर की समाप्ति के बाद 43 रन एक विकेट के बाद बुटवल यूथ क्रिकेट क्लब टीम का बेहतरीन शुरुआत। मुकाबला कुछ समय के लिए रुका हुआ, जल्दी आए प्लीज, जल्दी आए। काफी बाहर गई है बॉल, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का। ये लीजिए थोड़ा सा मिलाओ के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद थे, टप्पा पहले गिर चुका था, खिलाड़ी पीछे खड़े हुए थे और इस बार यहां स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं 48 रन। गेंदबाजी पर डाली नजर यहां पे और यहां देखिए बल्लेबाज का एक्शन है, अब यहां चेक कर रहे हैं, यहां पर कह रहे हैं इस वक्त एक बॉल का इशारा अंपायर का। और यहां देखिए रामनिवास यादव डाल सकते हैं गेंदबाजी क्योंकि बल्लेबाज के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं, संतुष्ट है वो। इसके बाद जो मुकाबला होने वाले हैं आरसीएससी भैरवा बनाम एमसीसी मनखोरिया के बीच आमना सामना और उसके बाद और यहां देखिए रामनिवास यादव के स्थान पर बुलाया गया है न्यू गेंदबाज को। समय ज्यादा वेस्ट ना करें प्लीज। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का। हेमंत थापा छेत्री कोई संकोच मन में नहीं है। स्कोर बढ़ता हुआ 49 रन। थर्ड मैन एरिया में गई है बॉल, डायरेक्ट हिट लगा था जरूर सही तीर निशाने पर लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित क्रीज के अंदर। अब यहां सिंगल के साथ 50 रन हुए पूरे फुटबॉल यूथ क्रिकेट क्लब टीम का।
बहुत बढ़िया। इस बार स्कोर बढ़ता हुआ 58 रनों पर पहुंचता हुआ टोटल स्कोर 5वें ओवर की आखिरी बॉल, थोड़ा सा वेट किया और शॉट खेल दिया इस बार गली के क्षेत्र में। जब तक बॉल को फिल करते आसानी के साथ दोनों बल्लेबाज ने अपना छोर बदले और ओवर की समाप्ति भी 5 ओवर के बाद 59 रन 1 विकेट के बाद आसानी के टीम का अच्छी शुरुआत है, बहुत बढ़िया स्थिति में इस वक्त। अगर देखा जाए यहाँ कैमरा टीम के ऊपर नजर डालते हैं तो फिर थोड़ा सा संकट में टीम है, उतना अच्छा गेंदबाजी तो की है लेकिन उनके साथ ही साथ नहीं दे पाए हैं। और हम तो फिर कुछ समय के बाद फिर मुलाकात करेंगे कमेंट्री बॉक्स पर, जुड़े रहिएगा हमारे साथ में। यदि हामीलाई सबैजनाले फेसबुक तथा युट्युबबाट हेर्नु हुने सबैजनाले यो लुम्बिनी प्रिमियर लिग सिजन 5 नाइट टी10 टेनिस क्रिकेट टुर्नामेन्ट 2078 कपिल वस्तुबाट हेरिरहनु भएको छ। र यो टुर्नामेन्ट लुम्बिनी प्रिमियर लिग सिजन 5 हेर्नुहुने सम्पूर्णजनाले हाम्रो युट्युब च्यानल हाम्रो नेपाली स्पोर्ट्सलाई सब्सक्राइब गरेर आगामी दिनमा पनि यसरी नै लाइभ लिने वातावरण सिर्जना गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा लिएका छौँ। फेसबुक तथा युट्युबमा हामीलाई हेर्नुहुने सबैजनालाई सबै दर्शकबिन्दुहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूको माया र साथ सपोर्टले नै हामी यसरी नै अघि बढ्ने हो। तपाईँहरूको साथ सपोर्टको खाँचो पनि आवश्यक पर्छ हामीलाई, त्यसैले सबैजनाले साथ दिएर हामीलाई अघि बढ्न मद्दत गर्नुहोला। सर्ट लुम्बिनी कपिल वस्तुमा अहिले चलिरहेको लुम्बिनी प्रिमियर लिग सिजन 5 साइडमा यो नाइट गेम अनि त्यो हिन्दी कमेन्ट्री लेफ्ट ह्यान्ड ब्याट्सम्यान यो ठुलो सट र अम्पायरको इसारा 6 रन हान्न सफल भएका छन् खेलाडी ब्याट्सम्यान। यो भिडियोहरूलाई पनि सक्दो सेयर गरेर साथ दिनुहोला ताकि आगामी दिनमा पनि हामी यसरी नै लाइभ लिएर आउनेछौँ तपाईँको माझ। र यो ठुलो सटको लागि खेलिदिएका छन् र यो 1 रन मात्र हुनेछ, राम्रो बचाउ गरेका छन् फिल्डरले त।
अघि बढेका छन् र यो ठूलो सटको लागि खेलिदिएका छन्। र यो सिक्स रन्स अम्पायरले सिक्स रनको लागि हात उठाइदिएका छन् दुईटा हात। सम्पूर्ण साथीहरूले लाइभलाई सेयर गरेर सक्दो सपोर्ट गरिदिनु होला र हामीलाई युट्युबमा हेर्नु भएको छ भने युट्युबलाई पनि सब्सक्राइब गरेर साथ दिनुहोला। साथै फेसबुकमा हेर्ने सम्पूर्णले फेसबुकलाई फलो गरेर आगामी दिनमा पनि यसै गरेर क्रिकेटको म्याच लाइभ स्ट्रिम भएको लाइभहरू म्याच लाइभ हेर्नलाई हामीलाई फलो गर्नुहोला। अब भने अर्को ओभर लिएर आएका छन् बलर खेलाडी। यो एक रनको लागि खेलिदिएका छन् र यो एक रन पुरा हुनेछ। केही डिस्कसन चलिरहेको छ। कपिल वस्तुको आफ्नै मौलिक भाषा यो अलिकति तराई क्षेत्र मधेश प्रदेश पर्ने भएकाले अलिकति हिन्दी भाषाहरू अलि बढी युज नै हुने गर्दछ। एक रनको लागि लिन चाहन्थे तर फिल्डरले रोकेका छन्। लुम्बिनीको यो ग्राउन्डमा यसरी इन्भर्टरमा तेल हालिहाली नाइट क्रिकेट टुर्नामेन्ट इन्टरटेनमेन्टको लागि ठुलो सटको लागि खेलिदिएका छन्। सम्भवतः क्याच हुने सम्भावना धेरै नै छ र यो क्याचसँगै ब्याट्सम्यान आउट हुनेछन्। ठुलो सट खेल्न चाहन्थे ब्याट्सम्यान तर बल माथि उठिदियो, धेरै नै माथि गयो। क्रिकेटलाई माया गर्ने साथ दिने सम्पूर्णले सबैजनाले सेयर गरिदिएर साथ दिनुहोला। हामीलाई फेसबुकमा हेर्नुहुने सबैजनाले फेसबुकलाई फलो गरेर र डिस्क्रिप्सनमा भएको युट्युबको लिङ्कलाई क्लिक गरेर युट्युबको च्यानल पनि सब्सक्राइब गरेर साथ दिनुहोला साथीहरू, ताकि आगामी दिनमा यो लाइभ T10 क्रिकेट प्रतियोगिता कपिल वस्तुबाट लाइभ लिएर आएका छौँ। तपाईँलाई थाहा छ हामीलाई पनि नेपालमा क्रिकेटको माहौल बन्दैछ र यसरी नै T10 माहौल पनि बन्दैछ अनि नाइट क्रिकेटको माहौललाई पनि तताउनको लागि हामीले यसरी लाइभ लिएर आएका छौँ। लुम्बिनी तपाईँहरूले यतिखेर लुम्बिनी प्रिमियर लिग सिजन फाइभको यो T10 क्रिकेट प्रतियोगिता हेर्दै हुनुहुन्छ। रन लिन खोजिरहेका थिए ब्याट्सम्यान। मेरो कमेन्ट्री कस्तो आइरहेको छ, मेरो आवाजलाई कस्तो आइरहेको छ कमेन्ट गरेर कृपया साथ दिनुहोला र साथ दिनुहोला। बाबु हिजे
यदि तपाईहरु क्रिकेट लभर हुनुहुन्छ भने हामी पनि यसरी नै छिट्टै T10 प्रतियोगिता लिएर आउनेछौँ। हामीलाई फेसबुकमा हेर्नुहुने सबैजनालाई हाम्रो युट्युबलाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा रहेको छ। हामीलाई हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरेर साथ दिनुहोला ताकि आगामी दिनमा पनि हामी यसै गरेर नै लाइभ लिएर आउनेछौँ। क्याचको लागि अपिल गरेका छन् तर डट भएको छ, दुई रनको लागि दौडेका छन् र यो दुई रन पुरा। यसरी लाइभ लिएर आएका छौँ तपाईँहरूको माझ लुम्बिनी प्रिमियर लिग सिजन 5 गेम। यो कपिल वस्तुबाट तपाईँहरूले प्रत्यक्ष प्रसारण फेसबुक र युट्युब मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ। युट्युबमा हाम्रो नेपाली स्पोर्ट्स अनि फेसबुकमा मेरो आफ्नै पर्सनल प्रोफाइलबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। आठ ओभरमा 94 रन भएको छ 2 विकेटको क्षतिमा। अफिसियल्सबाट राम्रो बोलिङ, त्यहाँ बोल्ड भएका छन्, क्लिन बोल्ड बोलिङ, खतरा बोलिङ गरेका थिए। कृपया लाइभ हेर्ने सबैजनाले एक एक सेयर गरेर सब्सक्राइब हाम्रो यो लाइभलाई पनि धेरैमा पुर्याइदिनुहुनेछ भन्ने आशा गर्दछु। आफ्नै देशमा भइरहेको अर्ग्यानिक T10 प्रतियोगिता क्रिकेटको माहौल जोगाउन र नाइट क्रिकेटको लागि अगाडि बढाउन यसरी नै क्रिकेट प्रतियोगिता हुन आवश्यक छ नेपालमा पनि। कृपया सक्दो सेयर गरेर यो पछाडिको लागि खेलिदिएका छन् तर फिल्डरले रोकेका छन्, रन लिन चाहन्थे ब्याट्सम्यान तर फिल्डरले रोकेका कारण रन लिन रन भने सफल हुन सकेन। हाम्रो युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरेर साथ दिनुहोला भन्न चाहन्छु सबैजनालाई।
ब्याट्सम्यान यो सर्ट तर स्टम्पमाथिबाट बल भएकोले एम्पायरले केही पनि इसारा दिएका छैनन्। लगने आप फेंक अपन फेंक अपन में भाई अस्पत चढ़ जाए न सोच हाथ में बाबू। टारगेट 117 रन। और इस बात का ख्याल रखें, बारिश की बूंदें अगर पड़ती है या किसी रीजन के बाद आपको रोका जाता है मामला, तो कल उसी समय पे वहीं से खेला जाएगा कोई भी टीम हो। कैप छो मालूम सर्किल कौन है से करो आप सर्किल उधर है चुनने की लगा सर्किल है थोड़ा थोड़ा है दिख नहीं रहा वो ज्यादा पीछे हो गए विष्णु की जोड़ी मैदान में है। आज इनके पास एक अच्छा मौका है कि यहाँ शुरुआत दिलाने का, जिस तरह से यहाँ पर ओपनर गेंदबाज को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। मुलायम सिंह यहाँ गेंदबाजी करने के लिए, और अब यहाँ दो बल्लेबाज पहुंचे हैं, हमारा वाला ले रहे बल्लेबाज मैदान में। आज इनके पास एक अच्छा मौका है, जुनून है जो तुझमें कुछ कर दे, इस तरह से पाने निकले हो जो मंजिल वो मुकाम भी मिल जाएगा। आप शुरुआत तो करो टीम, काफिला खुद ब खुद जुड़ जाएगा। है इनके पास एक अच्छा मौका, निगाहें एक बार फिर मैदान के ऊपर, और दूसरा इनिंग यहां शुरू होने को है। ये था मुलायम सिंह के हाथों में, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज मौजूद है विष्णु, नॉन स्ट्राइक पर प्रफुल यादव। 60 गेंदें शुरुआत में 127 रन, डेट है 12.7 शून्य रन प्रति ओवर। और यहां पर हो चुका है 10 रन उनका आगाज, 127 रन का टारगेट दिया यहां पर ग्राउंड कास्मो की टीम ने, और उसका लक्ष्य का पीछा करने उतरी यहां पर आर चिजो की टीम, और देखना है क्या उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगी या नहीं। स्ट्राइक पर है विष्णु और नॉन स्ट्राइक पर प्रफुल्ल।
गेंदबाज मुलायम सिंह आए एक बार अपने स्पेल का पहला टीम की तरफ से पहला ओवर लेकर के आए मुलायम सिंह। बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ कप्तान ने इनके हाथ में गेंद को घुमाया और गेंदबाजी के लिए भेजा एक बार और ये सही पे गेंद स्लॉट में मार दी। इस गेंद को भेजा बाउंड्री लाइन के बाहर अंपायर का इशारा था वो 6 रन का। छक्के से क्या शुरुआत पहली बॉल पर किया है स्वागत बैक ऑफ लाइन स्लो पर डिलीवरी उसका भरपूर फायदा उठाया बल्लेबाज विष्णु ने और विष्णु के बल्ले से निकलता हुआ शानदार पहला छक्का। मैंने कहा था अभी पिक्चर बाकी है और यहां मजा आएगा अब यहां देखकर कि 127 रनों का अगर पीछा करना है तो आपको इसी शॉट की आवश्यकता है। और अभी इसके बाद आने वाले हैं सादिक सुल्तान एक बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट टेनिस क्रिकेट में देखा जाए तो आज इनके पास एक अच्छा मौका है। जहां से चले थे आज उनके पास एक सोच होगी कि आज यहां नेपाल की सरजमी पर आज उनके पास एक टैलेंटेड बिखेरने का मौका है। बहुत बढ़िया क्या बढ़िया शैली है कवर क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद है शॉट में और वहां गैप नहीं जुड़ पाया लेकिन जो अंदाज था खेलने का क्या बढ़िया वंडरफुल कवर ड्राइव खिलाड़ी थे वहां पर मौजूद लेकिन इस बार गैप नहीं जुड़ पाया। अच्छी गेंद है दो गेंदें 6 रन स्कोर बोर्ड पे बिना किसी नुकसान के बहुत बढ़िया। इस बार थोड़ा सा बैकफुट पर गए सीधे बल्ले से सॉफ्ट हैंड से हल्का सा पुश किया बढ़िया डिफेंस देख लो खिलाफ बैकफुट डिफेंस उसके बाद नीचे इस बार थोड़ा सा कदमों का चहलकदमी किए थे और यहां देखिए बल्ले का फेस जिस तरह से ऊपर सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश थी इनकी अंपायर के स्तर के ऊपर से हमने देखा कि जिस तरह से रोहित शर्मा बल्लेबाजी कर रहे हैं उनका सीधे बल्ले से अक्सर खेलते हुए नजर आते हैं। सचिन तेंदुलकर की बात थोड़ा सा रिटायर जरूर हो चुके हैं लेकिन इस तरह से सीधे बल्ले से खेलना बहुत मजा आता है शॉट देकर बहुत बढ़िया। बैकफुट पर एक बार फिर गैप नहीं ढूंढ पाए जिस दिशा में खिलाड़ी को तैनात किया उस दिशा में सही गेंदबाजी हो रही है मुलायम सिंह के द्वारा 5 गेंदों में 6 रन बनाकर खेल इस वक्त खर्च किए 5 गेंदों में 6 रन और अब जो इनके पास एक अच्छा मौका है कम गेंदे हैं ज्यादा रन की जरूरत है और यहाँ क्या गेंदबाजी हमारे साथ में जुड़े हैं विवेक सक्सेस यहाँ देखिए जुड़े हमारे साथ में अजहर लतीफ बहुत बहुत स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में। बहुत सा सवाल इनसे आप आज बीबीएस लक्ष्मण डालने की कोशिश कर रहे थोड़ा सा लेंथ आगे डालने की कोशिश कर रहे हैं तो उतना आसान नहीं होता है बल्लेबाजी करना लेकिन यहाँ देखिए अगर थोड़ा सा बैक ऑफ लेंथ मिल जाए थोड़ा सा टप्पा पीछे हो जाए तो निश्चित रूप से ये बड़े शॉट खेलते हुए नजर आते हैं लेकिन यहाँ पर एक ओवर के समाप्ति के बाद 7 रन बिना किसी नुकसान के आ रहा चुना टीम का। और दोनों टीमों की अगर तुलना हम करें यहाँ ग्रैंड कास्को टीम का तो उनका भी एक ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन था कोई विकेट नहीं था और इनका भी एक ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन आ रहा चिड़िया टीम का भी है। दोनों टीमें बराबर है इनके पास एक अच्छा मौका है अभी भी रन बनाने का। है इनके पास एक अच्छा मौका आज रन बनाने का। इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद है व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का दिशा से भड़क चुके एक बार फिर जितेंद्र आए हैं गेंदबाजी करने के लिए बल्लेबाजी में तो इनको मौका नहीं मिला था लेकिन यहाँ गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। वही वही गेंद और अभी लाइन लेंथ थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है जितेंद्र का और जब पकड़ लेंगे तो सटीक जगह पर टप्पा गिरेगा इनका। और यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड विष्णु 6 गेंदों में 7 रन बनाकर खेल रहे हैं टीम का स्कोर 9 रनों पर पहुंचता हुआ अब तक 2 एक्स्ट्रा रन आए हैं वाइड के रूप में जितेंद्र की इस ओवर में। अरे दोस्त करो हिम्मत कुछ दूर सवेरा है अगर चाहते हो मंजिल तो परवाज बदल डालो। शरीफ पर बहुत ही कोशिश तो अच्छा थी बड़े शॉट की लेकिन इस बार एक और अच्छी गेंद है जितनी भी बॉल डॉट करेंगे उतना रिक्वायर्ड रेट यहाँ बहुत बढ़िया शॉट है ये इस बार क्षेत्र में खेला है और यहाँ स्ट्राइकर रोटेट किया है दोनों बल्लेबाजों ने। आजा
स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन और अब स्ट्राइक पर पहुंचे हैं प्रफुल्ल यादव। फिट रहना बहुत जरूरी है, बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज बढ़िया लग रहा है इनका। सामने एक अनुभवी गेंदबाज, सामने एक सेट बल्लेबाज अभी आए हैं, ओपन करने के लिए आए थे, काफी बाहर है ये बॉल, बढ़िया सोच है गेंदबाज की। यहां देखिए बिल्कुल इस बार बढ़िया गेंद है, इस तरह से थोड़ा सा मांग कर रहे हैं फर्स्ट अंपायर हेमंत दावा छेत्री के ऊपर, लेकिन इस बार कोई वाइट नहीं, अच्छी गेंद है ये, बहुत बढ़िया गेंद है, थोड़ा सा अंदर की तरफ लेकर आए और बल्लेबाज यहाँ चलाए थे जरूर, लेकिन यहाँ कोई रन नहीं आए हैं। और जब इनके पास में 50 गेंदें हों और 117 रन दूर हो अपने लक्ष्य से, तो यहाँ इनके पास में यही विकल्प है कि आप रन बनाए अपनी टीम के लिए। कदमों का चहल कदमी बल्ला रहा खामोश इनका, और इस बार अच्छी गेंद है, 3 गेंदें खेल चुके हैं प्रफुल्ल, अब तक इनके बल्ले से कोई रन नहीं आए हैं। बहुत बढ़िया गेंद है, हरमैन थोड़ा सा ऊपर है, चप्पा गिरा, उछाल का इंतजार कर रहे थे, मिला नहीं, ओवर की समाप्ति भी, 2 ओवर के बाद 10 रन बिना किसी नुकसान के, और अच्छी टीम का जहां पर रिकॉर्ड और डेढ़ के ऊपर असर डालते हैं, थोड़ा सा ज्यादा था 10 या 12 ओवर, 12 रन के बाद यहां पर 5 रन प्रति ओवर चल रहे हैं। आर चिड़िया के कप्तान राजन, मेरी आवाज सुन रहे हो तो आप यहां आने का कष्ट करें प्लीज, आपका बहुत बहुत स्वागत है कमेंट्री बॉक्स पे। राजन यादव और हवाई के पास भी करने के लिए प्रयास सिंह, राजन सिंह जो चिड़िया के कैप्टन है यहाँ कमेंट्री बॉक्स में आए, राजन यादव है यहाँ कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें जो चिड़िया के कैप्टन। ये स्लॉट में बॉल यहाँ पर एक रन दिया दोनों बल्लेबाजों को, एक रन से स्ट्राइक रोटेट किया और स्ट्राइक पर पहुंचे हैं प्रफुल्ल। काफी अच्छी गेंद वहां पर, डॉट डिलीवरी वहां पर, इस वक्त स्कोर बोर्ड पर 11 रन लगे हैं और यहां पर 5 गेंदों का सामना किया, अभी कोई रन नहीं इनके बल्ले से प्रफुल्ल। काफी अच्छी गेंद पैर पे डाले थे बॉल वहां पर, ख्याल बन रहा है गेंद के पीछे, एक यहां पर संतोष होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज से, थोड़ी धीमी स्पीड लेकिन फिर बेटे गए से संतुष्ट होते दोनों बल्लेबाज, तो यहां पर 6 गेंदों का सामना किया प्रफुल्ल और 1 रन इनके बल्ले से, और स्ट्राइक पे पहुंचे विष्णु, 9 गेंदों का सामना किए, 9 रन का योगदान रहा इनकी टीम के लिए, स्कोर बोर्ड पर लगे 12 रन टोटल। काफी अच्छी शॉट वहां पर, लेकिन दिशा में मौजूद है मात्र 1 रन से संतुष्ट हो रहा है दोनों बल्लेबाजों को, तो 1 और 2 रन से यहाँ पर काम चलने वाला है, एक लंबा लक्ष्य इनके सामने खड़ा हुआ है। काफी अच्छी गेंद वहां पर खेला, लेकिन और यहां पर चौका मिलेगा इस शॉट पर बल्लेबाज, यहां पर 24 से स्कोर पहुंच चुका है 17 रन पर, यहां पर 7 गेंदों में 5 रन लगाकर मौजूद है प्रफुल्ल और 10 गेंदों में 10 रन लगाकर मौजूद है विष्णु। आर चिड़िया इस वक्त बल्लेबाजी कर रही है, 127 रन का टारगेट है इनके सामने,
आज का महा मुकाबला चलता हुआ एलपीएल सीजन 5 का आदि छठवें दिन आज का दूसरा मुकाबला और ये शरीफ के पास हवा में नीचे लेकिन चौका मिलेगा इस शॉट पर बल्लेबाज को और यहाँ पर ओवर की खुली समाप्ति तो तीन ओवर का खेल जो हो चुका समाप्त स्कोर बोर्ड पर लगे 21 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और अगर इस मैच में जीवित रहना आर्य चिलिया को तो भी लंबे लंबे शॉट की जरूरत है यहाँ से। और वही अगर ग्रहण कासम को अगला जगह बनाना मैच में तो फिर अच्छी गेंदबाजी करनी होगी सूझबूझ गेंदबाजी करनी होगी। और अगर यहाँ देखें तो ग्रहण कासम का 3 ओवर में 27 रन था और आर आर चिलिया का 21 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और अब देखते हैं गेंदबाज कौन से गेंदबाजी करने के लिए उस वक्त और वायन जितेंद्र गेंदबाजी करने के लिए अपने स्पेल का दूसरा टीम की तरफ से 14 ओवर लेकर के एक बार विश्वास जुटा है कप्तान ने के ऊपर स्ट्राइक पर होंगे। स्ट्राइक पर विष्णु जितेंद्र गेंदबाज है अच्छी की वहां पर लेकिन खेला है वहां पर फील्डर नहीं मौजूद है एक रन से यहां पर संतोष चौधरी बल्लेबाज है एक रन से स्कोर पहुंच चुका है 22 रन टोटल स्कोर 22 रन पर पहुंच चुका है। और इस वक्त स्ट्राइक पर पहुंचे प्रफुल 8 गेंदों का सामना किए 9 रन जड़े अपने बल्ले से मौजूद है स्ट्राइक पर इस वक्त। आज का ये महा मुकाबला दूसरा मुकाबला ग्रहण कासम बनाम और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान चलता हुआ अच्छी गेंद और इस गेंद को भेजा दो लोग पैसे दे इस गेंद पर 6 रन बनेंगे परेशान बल्लेबाज के नाम ये गजब शॉट है ये शॉट बताता है कि गहराई है बल्लेबाजी में और इस छक्के की मदद से स्कोर पहुंच चुका है 28 रन पर गजब शॉट है यार ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 28 रन पर पहुंच चुका है स्कोर प्रफुल्ल के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला छक्का काफी अच्छी गेंद वहां पर लेकिन थोड़ी सी एक रन मिलेगा वहां पर दोनों बल्लेबाजों को एक रन से स्ट्राइक रोटेट किया और स्कोर पहुंचा है टोटल 29 रन पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। काफी लंबा रच खड़ा हुआ इनके सामने और ऑस्ट्रेलिया के सामने ग्रांड कास्मो ने पहले जीत करके टॉस बल्लेबाजी करने का फैसला किया 300 रन दिया अपने बल्ले से 126 रन टारगेट दिया 27 रन का यहां पर अच्छी गेंद शॉट डिलीवरी यहां पर इस बीच यहां जिस तरह से बॉल को डॉट कर रहे हैं लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जानते हैं कि कम गेंदे हैं ज्यादा रन की जरूरत है तो यहां बॉल डॉट ना करें रन बनाने की जरूरत है उनको इमरान बहुत ही शानदार कैच और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज निकल चुके हैं मैदान पर यहां देखिए डगआउट में और अब टेनिस जगत में एक बहुत बड़ा नाम सादिक सुल्तान निकल चुके हैं मैदान पर बल्लेबाजी के लिए इंतजार रहता है हर शाम तेरा याद है घटती है लेले के नाम तेरा और मुद्दत से बैठे हैं तेरे इंतजार में किया जाएगा कोई पैगाम तेरा तो इस बार इनके पास एक अच्छा मौका है आज यहाँ हीरो बनने का कि जब आपके पास एक बहुत बड़ा लक्ष्य हो 127 रनों का तो उस लक्ष्य को यहाँ पीछा करने के लिए उतर चुके हैं वन डाउन पर सादिक सुल्तान टेनिस क्रिकेट में एक बहुत बड़ा नाम है इनका भी और व्यक्ति को आपको देखना है तो आप नंबर सर्च कीजिए और मैं शेयर एक बार फिर दोहरा दूं याद जब भी तुम्हें मेरी आए वक्त थोड़ा सा खर्च कर लेना और तुमको YouTube पर मिलूंगा मैं मुझको Google पे सर्च कर लेना तो इस बार बहुत मजा आएगा इस बार सादिक सुल्तान स्ट्राइक पर पहुंचे बल्लेबाजी के लिए पहली बॉल की प्रतीक्षा ये देखिए शॉट तेज तर्रार शॉट है ये और उतने ही बेहतरीन है यहां फील्डिंग देखने को मिला है जिस तरह से यहाँ पर शॉट खेलने की कोशिश थी और यहाँ देखिए पॉर्टे सिंगल से अपना खाता खोला 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुके हैं 30 रन स्कोर बोर्ड पर एक विकेट के बाद आर आर चिड़िया टीम का अब बाकी बचे हैं इनके पास में 6 ओवर का खेल और बचे हैं 6
36 गेंदे हैं और अभी 9 बल्लेबाज सुरक्षित इनके हाथों में। सादिक सुल्तान के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जब आप मैदान पर पहुंचे हैं तो यहां अपनी जो बीच मझधार में फंसी है नैया, अगर उसे आप पार लगा सकते हैं, आपके पास एक अच्छा मौका है। थोड़ा समय का ध्यान रखें, ग्रांड कास्को की टीम थोड़ा सा समय का ध्यान रखें। पेनाल्टी लग जी का इतना टाइम ना लगाओ। तैयार एक बार फिर, सामने है गेंदबाज दुर्गेश यादव, काफी बाहर गई ये बॉल, वाइड बॉल का इशारा फर्स्ट अंपायर का आता हुआ, और यहां देखिए इस तरह से लेकर अंपायर के ऊपर कुछ इशारा कर रहे हैं इस वक्त सादिक सुल्तान। बॉडी लैंग्वेज अगर देखा जाए तो क्या इनके पास ताकत होगी, बहुत मेहनत करते होंगे ये, और चाहे वो फुटबॉल का मैदान हो या फिर हॉकी का हो या फिर उसके बाद क्रिकेट का हो, फिट रहना बहुत जरूरी है हर खिलाड़ी को स्पोर्ट लाइन में। बॉल गई इस बार, यहां देखिए शॉट में बहुत ही बढ़िया, लेकिन क्षेत्र रक्षण देखिए आप, वहां पे बहुत मजा आएगा देख के, दीपू है वहां पर मौजूद है, यहां कोशिश कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं बड़े शॉट के लिए, लेकिन इस बार 2 गेंदों में 2 रन बनाकर खेल रहे हैं सादिक सुल्तान। प्रफुल्ल यादव 10 गेंदों में 16 रन, 2 चौके 1 छक्के इनके बल्ले से शामिल है। और जिस तरह से आज एक बहुत बड़ा योगदान है 127 रन के स्कोर में, 84 रन परवीन गिल के हैं 27 गेंदों में। बल्ला थोड़ा सा जमीन बल्ला गई थी, उतना अच्छा यहाँ कनेक्शन हो नहीं पाया बैटर, यहाँ बैटर बॉल का, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, यहाँ सिंगल से कुछ नहीं होने वाले हैं। और अब पहुंचे हैं सादिक सुल्तान, सभी के दिलों का राज करने वाले, 5वां ओवर चलता हुआ, 4.2 ओवर, यानी कि 34 गेंदों में 94 रनों की जरूरत है। ओहो, इस बार बल्लेबाज अच्छी नियंत्रण में नहीं थे, कोशिश कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन उतना अच्छा बल्ले के बीचों बीच पे कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। गेंदबाजी अटैकिंग अच्छी हो रही है, दुर्गेश यादव को बुलाया गया है, 3 गेंदों में 4 रन, सटीक जगह पर टप्पा, तेज गति इनके पास में है। बार बहुत बढ़िया क्षेत्र रक्षण यहाँ पर हो रही है, और यही मजा आता है देखकर कि जब फील्डिंग यूनिट जब एक अच्छा काम कर रही हो, गेंदबाज का अच्छा साथ दे रही हो, चाहे वो फर्स्ट स्लिप में हो, सेकंड हो, गली में हो, डी पॉइंट पर हो, एक्स्ट्रा कवर बिल्कुल खाली एरिया है और लॉन्ग पर मिलता हुआ वक्त। और मैं बता दूं कि जब कड़ी परिस्थितियों से गुजरती है टीम है, तो यहां उनके पास में केवल यही विकल्प है कि केवल यही ऑप्शन है उनके पास, बल्लेबाज के पास सादिक सुल्तान हो या फिर कोई और हो, तो यहां रन की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, इनके पास रन की जरूरत है। और अब जो समय दर्शाता है कि मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा। और अब यहां 127 रन स्कोर बोर्ड पर लगे हैं, 31 गेंदों में 93 रन चाहिए जीतने के लिए आरआर चिलिया टीम को, उनके फैंस थोड़ा सा निराश नजर आएंगे मैदान में। लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में गई है, खिलाड़ी है उदिशा में मौजूद, बढ़िया क्षेत्र रक्षण, यहां देखिए नीचे से तुरंत नहीं मिलने वाले आजार, अगर आपको रन चाहिए तो आप हवाई यात्रा में भेजिए, हवाई फायर कीजिए, आप क्या लगता है आपको। जिस तरह से लंबा लक्ष्य के सामने खड़ा हुआ, जिस सोच बुरे बल्लेबाजी करने होंगे, इस तरह से सिंगल और डबल से काम चलने वाला है, लंबे लंबे शॉट की जरूरत है इस मैच में पड़ रहा है। तो भी और यहाँ पर 5 ओवर खेल हो चुका है समाप्त, स्कोर बोर्ड पर 35 रन लगे हैं 2 विकेट के नुकसान पर। और अब
भाई अगर बताएं जिस तरह से ये बल्लेबाजी कर रहे हैं, फिर तो रकीब जिस तरह से ये बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्या लग रहा है देख करके आपको कि इस तरह से बल्लेबाजी करेंगे तो फिर क्या इसमें से ढेर सारी खुशियां लेकर जाएंगे या फिर निराश होकर जाएंगे? ये इस वक्त आर आर चिलिया की टीम, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? करें धीमी शुरुआत है, अगर 127 रन का पीछा करना है तो यहाँ बड़े शॉट्स की जरूरत है। ओहो, यहाँ देखिए व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का, कोई संकोच पर नहीं है इस बार। यहाँ देखिए एक्स्ट्रा रन, 4 रन अब तक एक्स्ट्रा के रूप में खर्च कर चुके हैं। और अब यहाँ जो आस्किंग रन रेट है, जब आपके पास यहाँ 30 गेंदों में अभी भी चाहिए 18.20 रन प्रति ओवर है आस्किंग रन रेट, स्कोर बोर्ड पर लगे हैं 36 रन 30 गेंदों में 91 रनों की जरूरत है। तैयार है पार्थ दुर्गेश गुप्ता, बल्ले का फेस होना नहीं, अंदरूनी किनारा लगा, सिलेक्शन अच्छा नहीं हुआ, सिंगल मिलेगा, सिंगल से कुछ होने वाले नहीं है। लेकिन अब इसके बाद कल पहले राउंड की फर्स्ट राउंड का कल आखिरी मुकाबला रहेगा, बुट वाली राजू राणा उतरेंगे मैदान पे अपनी पूरी टोली के साथ मैदान पे, दूसरी तरफ होगी पिपरा की टीम। पैर पर डाले थे बॉल, रन की कर रहे हैं मांग। और यहां देखिए देख पाएगा इशारा, फर्स्ट अंपायर हेमंत थामा छेत्री का, 4 गेंदों में 3 रन सादिक सुल्तान के बल्ले से, 3 गेंदों में 2 रन मकसूद के बल्ले से। और मैं दुर्गेश गुप्ता की अगर हम बात करें तो अंडर 19 खिलाड़ी है ये, दुबई के सरजमीं से, दुबई के ग्राउंड से खेलकर बहुत जल्द वापस लौटे हैं ये। लेकिन यहाँ शानदार गेंदबाजी देखने को मिल रहा है दुर्गेश गुप्ता के द्वारा, और अब यहाँ सादिक सुल्तान स्ट्राइक पर पहुंचे हैं। ये परफेक्ट शॉट है, ये केवल यहाँ कलाइयों का उपयोग किया है इस बल्लेबाज ने, सादिक सुल्तान के बल्ले से निकलता हुआ शानदार पहला छक्का, ए स्कोर पहुंचता हुआ 45 रन 25 गेंदों में चाहिए 82 रन। ख्वाहिश नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाम को मेरे दोस्त हिलाना होगा, और कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। क्या आर अच्छा टीम को लक्ष्य गेंदबाजी अच्छी तो हुई थी, लेकिन यहाँ परवीन गिल जिस तरह से एरियल सेल से धुलाई किया इस मैदान में, 84 रन की उसके बाद उनकी धुलाई रंग रही है, बाहर गई है काफी, व्हाइट बॉल मिलेंगे इस बार, ये बॉल दोबारा डालना पड़ेगा दुर्गेश गुप्ता को। मुकाबला समाप्त होने के बाद हम एक अच्छी मुलाकात करेंगे दुर्गेश गुप्ता को इस स्टूडियो में, इस मुकाबले इस बार कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा लेंथ के ऊपर नजर डालते हैं तो बढ़िया लेंथ है, अच्छी गति इनके पास है, ओवर की समाप्ति हुई 6 ओवर के बाद 47 2 विकेटों के पास आर आर चिड़िया टीम का। हमारे साथ में जुड़े हैं इस वक्त कमेंट्री बॉक्स पर हमारे दूसरे साथी, यहाँ देख जो ग्राफिक डिजाइनर भी है इस वक्त अजहर लतीफ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यहाँ थोड़ा सा बातचीत के ऊपर नजर डालते हैं, 8 बल्लेबाज सुरक्षित है ये तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पर 24 गेंदें इनके पास में है, सामने है यहाँ एक युवा बल्लेबाज है जिनके पास बड़े शॉट लगाने की क्षमता है, टेनिस जगत की बात करें तो बहुत बड़ा नाम है सादिक सुल्तान का, लेकिन आज उनके फैंस उनको देखने के जिस तरह से जनसैलाब उभरा था इस मैदान पे, उतना अच्छा बल्लेबाजी यहाँ देखने को मिला नहीं है। लेकिन अभी भी इनके पास एक अच्छा मौका है कि अगर यहाँ देखिए वन मैन आर्मी बनना है तो यहाँ पर 20 रन प्रति ओवर की जरूरत है इनके पास 24 गेंदें। तैयार है